हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, सैमसंग के कीपैड मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक प्ले करने वाले वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो पे 40 मिलियन व्यूज चले गए हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले एक वीडियो आपको शूट करना है और उस वीडियो को आपको टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है और सबसे पहले वीडियो को अपलोड कर देना है। जिस वीडियो को आप अपलोड करेंगे, वीडियो को फिर से आपको एक बार प्ले करना है और उस वीडियो को आपको एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। जब आपका वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। बैकग्राउंड के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करना है, अब फुल स्क्रीन मेक कर देना है और आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के लेयर पे क्लिक करने हैं और आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है उसे आपको रिमूव करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है और आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर जो था वो आपका रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं और टिकटॉक पे अपलोड किए थे और उसी वीडियो को आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। प्ले करने के बाद 10.8 के आसपास लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इसे हल्का छोटा कर देना है, ठीक है। और ऊपर से चाहे तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं, सिंपल आप कुछ इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है, छोटा कर देना है बिल्कुल, जितना तक आपको डिस्प्ले ब्लैक कलर जो दिख रहा है तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। सॉरी, इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर बिल्कुल सेंटर में आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। अब जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं लग रहा है जैसे कि टिकटॉक एप्लीकेशन हमारे कीपैड फोन में प्ले हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से इसे हल्का छोटा बड़ा कर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं फाइनली जो वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक कर दें और इसके हम ट्रिम टू राइट करते हैं। इसके बाद आपको साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आप कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रेट आइडियो कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। यदि सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ करना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।